अगेन झूठ बात है, मैंने कोई चीज नहीं मांगी कांग्रेस से। कहना है इस वक्त, उस वक्त एक इकबाल नामी शख्स ने चार्ज लिया था जिसका ताल्लुक पुलिस से था, इसने मेरे खिलाफ नहीं कईयों के खिलाफ किया, अकबर निजामुद्दीन के खिलाफ किया, कईयों के खिलाफ किया, मतलब अदालत में है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 12% होना चाहिए असेंबली के अंदर, अगर 7 सीट को भी गलत कर देंगे तो पहले से क्या रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, बोलो। किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, यकीन है मैं इनको करता हूँ, बोला ना मैं, आप बोला ना, जहाँ तक 7 सीट है मैं बाउंड टू सपोर्ट। आपको यकीन है आप नहीं, आपसे जो और किसी के बदपीछे नहीं पूछा, रेवंत रेड्डी को बिठा के पूछा, उसने बोला था मैं को तैयार हुए, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं यार। तुम मैं तो नहीं देखा वो, और अगर टोपी मैं निकाल के रखा तो कि मैं मुसलमान नहीं रहता हूँ, किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। मैं 5 मिनट पहले बोला ना, बिल्कुल फिर भी आप कांग्रेस का, अरे मैं आपको बोला ना 5 मिनट पहले कि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था, आज नरसिम्हा राव के मुजस्मे को किसने बिठा दिया लाके, यहाँ कांग्रेस ने बिठाया, दौरे हुकूमत राजशेखर रेड्डी के रुख आदम, यही महमूद अली साहब का वायदा था कि बनवा दूंगा, नहीं हूँ। पहली चीज, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन आया है इसके अंदर मुसलमानों को क्या बेनिफिट मिलता है, खलास बोला वो लोग देते, बोले यहाँ 12 वादा था मगर कांग्रेस के पास दे दिया उसने, पार्टी नहीं करी, दो बार आपके पास आया, कब आई दो। पॉलिटिकल थिंकर्स का ये मानना है कि आपको राज्यसभा सीट नहीं देने पर आप ये सब कर, ये देखो ये अगेन कुरान मजीद है, आपका ईमान मेरा ईमान जी, ना मैंने पूछा ना मेरे को किसी खत्म के उससे बात, ये आप बोला डिफॉर्मेशन के अलावा आपके साथ जो केसीआर ने जो वादे किए थे मुसलमानों के साथ डिफॉर्मेशन और जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाने के अलावा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मेरा कुछ देखिए, क्या आप एक पॉलिटिकल जो है फ्रंट लेके आएंगे? मैं फिजिकल फ्रंट मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मेरी उम्र का तकाजा है, ना मेरी सेहत इजाज़त देती है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों को मुसलमानों को ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रही है तुम खड़े। सर महमूद अली साहब ये भी इल्जाम लगाया आप पे।